पेयजल निगम उत्तराखंड, जल संस्थान, नायब तहसीलदार और लोक निर्माण विभाग में संयुक्त रूप से आज मॉल रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और नाले खालों की सफाई व्यवस्था के साथ ही सीवर की लाइनें और पानी की लाइनों को दुरुस्त करने की बात कही गई। इस मौके पर नायब तहसीलदार विनोद तिवारी ने बताया कि आज संयुक्त रूप से कई स्थानों का निरीक्षण किया गया है और बरसात को देखते हुए चौक हुई नाले और खालों को खोला जाएगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये जो सर्वेक्षण था ये सभी लोगों के साथ मिलकर किया है। ये जो नदी नाले बंद हो रखे हैं, जो सीवर लाइन जो बंद हो रखी है उनके लिए था। और उनको जो लोग परेशान कर रहे हैं कि जो अपनी जमीन से निकालने से पुराने नाले हैं उन्हें खुलवाने के लिए उन्हें दिया है कि भाई उन्हें करें, जो पुराना है उन्हें बनाए दोबारा से, जो पाइप रखी है कई चीज़ें हैं। लगभग कितने नालों का आपने निर्माण होता है? 6 से 7 नाले अभी देख लिए हमने, बाकी अभी देख रहे हैं और आगे। अधिकांश नाले खालों में प्राइवेट लाइनें जा रही हैं, तो हमारे द्वारा उन लाइनों को हटाने की आज कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमें सड़क कटिंग की अनुमति की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए PWD से बात की जा रही है। कौन कौन से विभाग? आज हमारे साथ जल निगम था और प्रशासन से नायब तहसीलदार थे और PWD के अधिकारी थे, नगर पालिका के अधिकारी थे। आज किंक्रेक से लेकर के लाइब्रेरी चौक तक पूरा निरीक्षण किया गया। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम सेवा लाइन बिछा रहे थे, तो वहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है नवाब साहब की, उनके द्वारा एक एसएम साहब को लेटर लिखा गया कि साहब मेरी प्रॉपर्टी में लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम एसएम साहब से मिले थे, तो एसडीएम साहब ने एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन नायब साहब जस स्थान के एसपी और ये जल निगम तीनों ने एक ज्वाइंट कमेटी बनाई और उसी परिप्रेक्ष्य में आज साइड से आए थे और उसका निरीक्षण कर लिया गया है। और उसके बाद में यहाँ के लोगों से फीडबैक ली गई, तो सबने यही बताया कि बहुत पुरानी है, मैंने ब्रिटिश पीरियड से लाइन पड़ी हुई है, उसी लाइन को हमने जो है तो रिनोवेट करना है। तो अब जस्तान से इसके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी और उसके बाद में एसडीएम साहब को रिपोर्ट देके अरे प्रारंभ किया जाएगा। लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जहाँ पे भी ऐसी कोई हमारी तरफ से कोई समस्या आ रही होगी नाले में तो उसको भी करवा रहे हैं। वैसे जनरली हमारी तरफ से नालों में कोई समस्या नहीं है।